मुरादाबाद नगर निकाय चुनाव की सुबह से ही लोग घर से निकलकर वोट कर रहे थे, पर वोटिंग की प्रतिशतता से प्रत्याशियों की धड़कन ऊपर नीचे होती रही। सुबह 9 बजे वोटिंग 10% हुई, जिसके बाद जब 11 बजे तो वोटिंग प्रतिशतता 17% हो गई। इसके बाद 12 बजे बढ़कर 20% हो गई। इसके बाद जब 1 बजने को आया तो वोटिंग प्रतिशतता 30% हो गई, पर जब 1 बजे से 3 बजे तक का समय बीता तो वोटिंग सिर्फ 32% हुई, जिसके बाद तो सबकी धड़कने और हल्की हुई। जब 4 बजे तक वोटिंग प्रतिशतता 35% हुई और शाम होते होते 5 बजे तक वोटिंग प्रतिशतता 41% हुई। वोटिंग प्रतिशतता कम होने की वजह से प्रत्याशी कहीं न कहीं परेशानी में है। मुरादाबाद निकाय चुनाव के मतदान पूरे हो चुके हैं। सुबह से ही वोटर अपने अपने घरों से निकल के मतदान केंद्रों पर जाकर के मतदाताओं की किस्मत का फैसला करने के लिए मतदान अपने ईवीएम में कैद कर चुके हैं। सुबह से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि मतदान काफी भारी मात्रा में होगा, मगर शाम होते होते सभी प्रत्याशियों के चेहरे पे बेचैनी होने लग गई थी, क्योंकि मतदान भारी मात्रा में होने की जो उम्मीद जताई जा रही थी वो नहीं हो पाई। और सरकारी आंकड़ों का हिसाब माने तो शाम 5 बजे तक 39.8% मतदान रहा है। अब सभी प्रत्याशियों के दिल में बेचैनी है कि कौन इतने कम परसेंटेज वोटिंग में किसके सर सजेगा जीत का ताज। अभी तो 1 तारीख को ही पता चलेगा किसके सर सजेगा मेयर का ताज और कौन होगा अपने वार्ड का पार्षद। मुरादाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आकाश पंडित, पब्लिक टीवी इंडिया। सर, मुरादाबाद में कैसा रहा चुनाव पूरा शुरू से? चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष, फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ। कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं आई पूरे मामले में? हम लोग सुबह से ही, हम और एसएसपी साहब जो है वो राउंड पे थे, हमने ये देखा कि बहुत ही कम जगहों पे ईवीएम के संचालन में जो पीठासीन अधिकारियों की तरफ से कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, उसको आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया था 2 या 3 जगहों पे। बाकी कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत ही पीसफुल तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मुरादाबाद में चुनाव संपन्न हुआ। पूरे जनपद का जो पोल परसेंटेज है वो लगभग 48% है, लेकिन वास्तविक प्रतिशत सारी पोलिंग पार्टियों के अपने सामान डिपॉजिट करने के बाद पता चलेगा, और शहर का पोलिंग परसेंटेज आई थिंक 38-40% रहा है। कोई वोटर लिस्ट में कहीं समस्या आई है सर? कहीं भी पूरा, आप लोग खुद जो है भ्रमण कर रहे थे, कहीं पे 1-2 जगह को छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ करके कोई मेजर प्रॉब्लम कहीं नहीं आई है। क्या क्या इंतजाम किए गए थे चुनाव को संपन्न कराने के लिए? सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित इंतजाम थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगे हुए थे, जोनल मजिस्ट्रेट्स लगे हुए थे, और हम और एसएसपी साहब निरंतर भ्रमणशील थे, हमारे एडीएम्स वगैरह निरंतर भ्रमणशील थे, सीडीओ को भी लगा रखा था, जोनल जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे वो भी निरंतर भ्रमणशील थे, तो सभी लोगों के पूरे समन्वित प्रयास से बिल्कुल अच्छे से चुनाव संपन्न हुआ। सर, परसों मतगणना होनी है, उसके लिए किस तरह की तैयारी है? मतगणना के लिए सारी तैयारियाँ हम लोगों ने पूरी कर ली हैं, चाहे वो मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण हो या वहाँ पे मतगणना हाल की तैयारी हो, सारा कुछ जो है स्ट्रांग रूम की तैयारी हो, सब कुछ वेल इन टाइम है और बिल्कुल हम पूरी तरह से मतगणना कराने के लिए तैयार हैं। ठीक, थैंक यू सर। सर, पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह से इंतज़ाम किए गए, तो किस तरह से की पोलिंग रही है? पोलिंग का परसेंटेज तो कम रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के तरफ सुरक्षा की दृष्टि से सभी इंतजाम बहुत अच्छे थे, कोई भी घटना छुटपुट कोई घटना भी नहीं हुई है, और गग्गर क्षेत्र के सभी पोलिंग पार्टी से पार्टियां रवाना हो रही हैं और सभी सकुशल चुनाव संपन्न हो गया है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी गई है चुनाव के दौरान, और बहुत ही अच्छी तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। धन्यवाद।